Hello everyone, I welcome you all to the first lecture of our subject EBCL. I am C.A. Ayushi Zawar Kaswa and I am here to discuss with you one of the very core topics of your CS Executive Syllabus. तो यहाँ पे जब आप आए हो, जब आप CS Executive में आपने एंटर किया है, तो कई लोगों ने, आपके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, सीनियर्स ने, भाई बहनों ने, सब ने बहुत कुछ बोला होगा आपको CS Executive के बारे में, करेक्ट? कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा लेंथी है, कौन सा बोरिंग है, हर चीज के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में आपके दिमाग में कोई ना कोई प्री कंसीव्ड नोशन होगा ही. हाँ कि नहीं, बिल्कुल होगा. तो यहाँ पर हम वैसे ही एक सब्जेक्ट के बारे में, जो बहुत ही चर्चित सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के बीच में, वैसे ही एक सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं. तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम आज और आज के बाद आगे आपके पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव के जर्नी में साथ में डिस्कस करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है EBCL. क्या नाम है? EBCL, मतलब कि इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज. तो ये जो तीन पार्ट्स है ना, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, इस सबको कंबाइन करके एक साथ डाला हुआ है. तीनों इंटर रिलेटेड वर्ड्स लग रहे हैं, यस और नो? बिल्कुल लग रहे हैं. तो यहाँ पर इसी सब्जेक्ट का डिस्कशन हम आज चालू करने वाले हैं. तो क्या होता है ना, व्हेन एवर यू डाइव इनटू समथिंग, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि किसी ओशन में जाने से पहले, पानी में उतरने से पहले हम थोड़ी गहराई नाप लेनी चाहिए हमें, करेक्ट? तो यहाँ पे इस पूरे सिलेबस में डाइव इन करने से पहले, इस पूरे समंदर में उतरने से पहले हम देखने वाले हैं कि इस सिलेबस के पार्ट में आता क्या है. हमारे जो 8 सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव के, उसमें से ये जो सब्जेक्ट है, ये मॉड्यूल 2 के पेपर में आता है, और ये आपके आउट ऑफ ऑल द 8 पेपर्स ये है आपका 7th पेपर. कौन सा पेपर है? 7th पेपर, मतलब सेकंड लास्ट पेपर है, और ये मॉड्यूल 2 में आता है. तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इसके 3 पार्ट्स किए हुए हैं. कितने पार्ट्स किए हुए हैं एवरीवन? 3 स्पेसिफिक पार्ट्स किए हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. एकदम आराम से पूरा का पूरा आज का लेक्चर हम डेडिकेट करने वाले हैं सिर्फ सिलेबस समझने में, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपने सुना भी होगा और ये बात को मैं कंफर्म भी कर देती हूँ, चलो, कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है. यहाँ पे कई लोगों ने आपको ये बात बताई होगी, और ये बात आज मैं इस लेक्चर में अभी बिल्कुल ये सच है ये भी बता देती हूँ कि हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है. और बहुत बच्चे, आपके जो सीनियर्स जो पास हो चुके हैं या जो अभी कर रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव, उनसे आप बातचीत करके देख सकते हो कि इस सब्जेक्ट को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी माना जाता है. लेकिन इस डिफिकल्ट से सब्जेक्ट को कैसे हम इंटरेस्टिंग, कैसे स्कोरिंग एंड कैसे वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं, यही हमारी सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी रहेगी. यहाँ पर मैं आपको गारंटी करती हूँ, मतलब आगे का डिस्कशन तो बाकी है, अभी इसके एक एक पेज खुलना, एक एक देखना कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं, वो सब बाकी है. लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी कर रही हूँ अभी ही, कि जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे EBCL का, तो आपको ये इतना इजी, इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने पेश होगा कि आपको कोई भी चीज़ डिफिकल्ट या फिर ऐसे क्या बोलते हैं, बर्डन नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है. तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लो, बिल्कुल भी मत. तो यहाँ पर इसकी टेंशन जब आपके कंधे से उतर गई है ना, एक टेंशन एक कंधे से, एकदम रिलैक्स होके लेक्चर आगे का देखो, क्योंकि ऐसे कंधे बर्डन लेके देखोगे ना कि यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी है, बहुत ये है, बहुत वो है, तो ना आगे की बातों में मजा नहीं आएगा. आराम से समझने की कोशिश करो कि हमें आगे पढ़ना क्या क्या है, व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि इसके 3 पार्ट्स किए हुए हैं, 3 पार्ट्स के चैप्टर का बाइफर्केशन,
तीन पार्ट्स में मार्क्स का बाइफिकेशन, उसके इम्पोर्टेंस का बाइफिकेशन अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, जो हमारा पहला हिस्सा है ईबीसीएल के सब्जेक्ट का, उसमें है टोटल 11 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स है, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो हमारा हिस्सा है, जो सेकेंड पार्ट है, उसमें मैम फर्स्ट में 11 है तो दूसरे में तो और ज्यादा रहेंगे यार, कितने हैं, टेंशन मत लो, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है मैम, सिर्फ एक, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है हमारे सेकेंड वाले पार्ट में। इंपॉर्टेंट है, लंबा है, मार्क्स भी काफी ज्यादा इसमें यू नो स्कोर कर सकते हो अगर आपका सेकेंड वाला पार्ट एकदम क्लियर हो तो। एंड जो तीसरा हिस्सा है हमारा, उसमें बचे हुए 12 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 12 चैप्टर्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऐसे तीन पार्ट्स किए हुए हैं विच कंटेन 11 चैप्टर्स, 1 चैप्टर एंड 12 चैप्टर्स रिस्पेक्टिवली। अब मैम चैप्टर तो समझ गए, क्या क्या है उसके अंदर वो बता दो। तो अब क्या क्या है वो ध्यान से सुनो। जो हमारा फर्स्ट हिस्सा है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 11 चैप्टर्स का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्वॉल्व की गई है विद रिगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज, विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल RBI, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो हमारा मेन बैंक है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसका लॉ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, उसके रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस एक्सेट्रा, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है। उसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात भी यहाँ पे की गई है। उसके साथ साथ जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होगा उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट हिस्से में ना, जो आपके ओवरसीज जो करेंसी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो आपके फॉरेन एक्सचेंजेस होंगे, उस सब के बारे में डीलिंग फर्स्ट पार्ट में की गई है। तो फर्स्ट पार्ट बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज और एक और टॉपिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक विद रिगार्ड टू NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उसके रिलेटेड भी कवर किया गया है हमारे फर्स्ट पार्ट में ही। जो हमारा दूसरा हिस्सा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें दिए गए हैं 11 चैप्टर्स। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो एक ही टॉपिक रिलेटेड डील करता है, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट। यहाँ पे पूरे तरीके से कॉम्पिटिशन को हैंडल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। एक ही एक्ट दिया गया है एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ मार्क्स विद रिगार्ड टू आवर सब्जेक्ट। तीसरा और आखिरी जो हमारा पार्ट है उसमें दिए गए हैं बिजनेस लॉज, कमर्शियल लॉज, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अभी हम लोग CSET में पढ़ के निकले ही है, वही डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ऑफकोर्स और एडिशंस और प्रोविजंस यहाँ पे हमें बताई गई है एक्ट की, लेकिन वो सारी चीजें भी यहाँ पे कवर हुई है। उसके साथ साथ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड 2 एक्ट दिए गए हैं, उसके साथ साथ करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या किया गया है, जैसे बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट। तो आपने अभी कुछ साल पहले अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो अभी अभी में उसके क्या रीसेंट अमेंडमेंट आए, तो कई ये अभी बहुत चर्चित चीज रही है, बहुत उसका उसकी न्यूज और बहुत ही कॉन्फ्रेंसेज में, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े डिस्कशन में उसकी बातचीत हुई है, मतलब क्यों वो चेंज करना है, क्यों क्या करना है वगैरह वगैरह, तो हर चीज डिटेल अपन देखने वाले पढ़ते वक्त। तो वो करप्शन रोकने के लिए वो क्या लाया गया उसके बारे में बातचीत करी गई है। ये सारी चीजों से हमारा थर्ड वाला पार्ट बनता है जिसमें बिजनेस लॉज, कमर्शियल लॉज, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, या फिर फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, या फिर पार्टनरशिप एक्ट है, वो सारी चीजों के बारे में बात करी गई है हमारे थर्ड सेक्शन में। तो बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन, ये तीन क्लासिफिकेशन है। थर्ड में और सब पार्ट्स है, अभी डिस्कस करते हैं और सब पार्ट्स है, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है वो इंडिविजुअली दिया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट हमारा है विद रिगार्ड टू जो भी फॉरेन एक्सचेंज NBFC का, ये होल्ड करता है हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में 40 मार्क्स। कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने ही ये बोल दिया है कि ये जो पार्ट आएगा, इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे 40 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आएंगे एवरीवन? 40 मार्क्स के लिए आएंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो होल्ड करता है हमारे पूरे सिलेबस का, पूरे मार्क्स का 25%, एग्जैक्टली 1/4, मतलब 25 मार्क्स। कितने होल्ड करता है? 25 मार्क्स। और जो हमारा तीसरा और आखिरी वाला पार्ट है जिसमें 12 चैप्टर्स दिए गए हैं, वो होल्ड करता है 35 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स?
35 मार्क्स। क्लियर है यहां तक? ये हो गया हमारा मार्क्स का डिस्कशन, नंबर ऑफ चैप्टर्स का डिस्कशन। अब दो मिनट के लिए हम लोग इंडिविजुअली देख लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या क्या चैप्टर्स है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले ये देखिए कि जो हमारा थर्ड पार्ट है ना, उसके पार्ट्स क्या, उसके पार्ट्स आज उसमें क्या क्या हिस्से है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि करप्शन रोकने के लिए जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड दो एक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, विद दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स की एक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस लॉस, किसके दिए गए हैं, बिजनेस रिलेटेड। तो यहाँ पे करप्शन रिलेटेड हमारे पास दो लॉज है, प्रॉपर्टी रिलेटेड दो लॉज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड थ्री लॉज दिए गए हैं, एंड बिजनेस रिलेटेड जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह वगैरह, ये सारे टोटल मिला के दिए गए हैं 5। तो ये हमारे पूरे सिलेबस का बाइफिकेशन है। फर्स्ट वाला फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड NBFC पे रिलाई करता है, उसका पार्ट है। सेकेंड वाला हमारा है ये क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट, एंड तीसरा जो है वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ऑब्वियसली डिटेल डिस्कशन हम हर एक का करेंगे, लेकिन अभी एक बार बस नजर मार लेते हैं ना, कि एक बार देख लेते हैं हाँ ये आने वाला है। चलिए एक मिनट, ओके ये देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड NBFC जो हमारा पार्ट 1 है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 11 चैप्टर्स है, तो उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले RBI रिलेटेड लॉ आएगा, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको फेमा बोला जाता है, उसके साथ साथ उसी के रिलेट प्रोविजंस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंसेस में, उसके बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो कई बार आपने सुना होगा न्यूज में भी, जनरल पढ़ते वक्त भी, उसके रिलेटेड रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लिबरलाइजेशन जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे, उसके बाद ECB मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रहती है उसके रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये हमारा रहेगा 9th। जो 10th हमारा रहेगा वो NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एंड लास्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया SEZs मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रिलेटेड जो लॉ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट हमारा है दैट इज कॉम्पिटिशन लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ पे ही एक ही एक्ट पे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 पे ही ये पूरा based है, and it brings to you 25 marks, a whopping 25 marks, remember. And the last one is business and commercial laws, which is in which is divided into 4 parts. The first one being consumer protection, which involves 3 acts. The first one being consumer protection, second essential commodities, and the last one is legal metrology act. नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, इसके ऊपर दो है, पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड दूसरा रियल एस्टेट रिलेटेड, जो रेरा कई बार सुना होगा आप लोगों ने वो। नेक्स्ट इज रेरा एज एन, उसके रिलेटेड भी अभी कई बार चर्चा सुनी होगी, वो भी इस एक्ट में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो दोनों है वो कैसे करप्शन को रोकने के लिए काम किया गया है उस पे बेस्ड है। एंड द लास्ट पार्ट इज बिजनेस लॉज, जिसमें 5 हमारे दिए हुए हैं। सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने CSET में पढ़ा है, दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तीसरा सेल ऑफ गुड्स, चौथा पार्टनरशिप, एंड लास्ट वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो भी आपने अभी अभी आपके अकाउंट्स में या कहीं ना कहीं आपने उसकी डिटेल पढ़ी होगी विद रिगार्ड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, सुना है ये सारी चीजें, वही हमें यहाँ पे देखनी है। तो ये हमारा बेसिकली, हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का वो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं 2 मिनट के लिए आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये जो हम पूरा जो ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये हमारे न्यू सिलेबस का पार्ट है, करेक्ट, न्यू सिलेबस का पार्ट है। तो ये न्यू सिलेबस में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसके एनालिसिस के बेसिस पे, जो मैंने अभी पूरा जो एनालिसिस देखा है अभी अभी के क्वेश्चन पेपर्स, पिछले क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्वियसली नॉलेज गेन करना, बहुत कुछ सीखना है तो करना ही है, लेकिन अल्टीमेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स जिसके लिए हम ये सब पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एग्जाम में ठीक से लिखते आना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर कैसा आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आते हैं 6 क्वेश्चंस। कितने आते हैं एवरीवन? 6 क्वेश्चंस आते हैं। जो ये 6 क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी,
First, second, third, fourth, fifth, and sixth. All the questions are absolutely compulsory. यहाँ पे जो second question है and जो आपका sixth question है उसमें आपको choice आती है. Based on the past question papers, ये मैं आपको discussion बता रही हूँ, उसमें आपको choice आती है जैसे कि 2 या फिर 2A. इन दोनों में से कोई एक set of questions आपको करना है. वैसे ही 6 या फिर 6A. इन दोनों में से कोई भी एक set of questions आपको करना है. जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आता है, जो ये हमारा फर्स्ट टू क्वेश्चंस है, वो फर्स्ट पार्ट पे बेस्ड आते हैं. जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस है हमारे, वो आते हैं सेकंड पार्ट पे बेस्ड. एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चंस जो है वो आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे बेस्ड. इसमें से जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें जो सिक्स पूछा जाता है, सिक्स एंड सिक्स ए का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो सिक्स पूछा जाता है ये वाला जो है, ये पास्ट क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे ये पूछा गया है डिस्टिंग्विश. क्या पूछा गया है एवरीवन? डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन. ये वाले क्वेश्चन सिक्स में दिए गए हैं. अगर वो नहीं आता तो कोई मतलब वो उसमें शो नहीं है, तो सिक्स ए आप ट्राई कर सकते हो. मतलब ऐसा सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या आपका बैकग्राउंड क्या है पेपर का. वैसे ही जो आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, कौन सा क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, वो बेसिकली छोटी 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 केस स्टडीज पे बेस्ड आ रहा है. किस पे बेस्ड आ रहा है? केस स्टडीज. केस स्टडी पे बेस्ड मतलब क्या कि ये जो है, ये थोड़ा सा कोई एग्जांपल दिया है, फिर आपको क्वेश्चन पूछा है. ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा है, एकदम डायरेक्टली व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन दिस, ऐसा नहीं. कुछ एक बैकग्राउंड बताया, कुछ एग्जाम्पल बताया, फिर आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव आता है. तो ये इस तरीके से छह क्वेश्चन आपको आते हैं. हाँ, और इसमें ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है, मैं भी बता देती हूँ कि भाई जैसे एक जो क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा अच्छा इतने मार्क्स का, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे सब पार्ट्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ क्वेश्चन का बता देती हूँ. जैसे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आएंगे चार क्वेश्चंस ऑफ फाइव मार्क्स ईच. ऑफ हाउ मेनी मार्क्स ईच? फाइव मार्क्स के चार क्वेश्चंस आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे. वैसे ही जो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आते हैं चार मार्क्स के पांच क्वेश्चन. कितने? चार मार्क्स के पांच क्वेश्चंस आते हैं. मतलब पांच क्वेश्चंस आएंगे इंडिविजुअली. सेकंड क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं. इंडिविजुअली आपको पांच क्वेश्चंस आएंगे, ईच वन ऑफ फोर मार्क्स. यस, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम, यू हैव टू राइट डाउन ऑल ऑफ देम. तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, 20-20 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, डिवाइड कर रहे हैं. जैसे ही जो आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा, वो आएंगे थ्री मार्क्स के फाइव क्वेश्चंस. जो आपका फोर्थ क्वेश्चन आएगा, उसमें आएंगे फाइव मार्क्स के दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे. जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, जो केस स्टडी बेस्ड जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आपके आएंगे 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस. कितने? 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, एज गुड एज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का जो मार्किंग पैटर्न है वैसा ही. एंड जो आपका सिक्स क्वेश्चन आएगा, सिक्स या फिर सिक्स है, दोनों ले लो, कोई भी उसमें से कर लो, वो आएंगे आपके 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस. कितने आएंगे? 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन. तो बेसिकली ये टोटल कैसे हो गया, देख लो एक बार. टोटल कैसे हो गया? 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स 20 मार्क्स. वैसे ही 5 या 15 मार्क्स, यहाँ पे 10 मार्क्स, यहाँ पे 20 मार्क्स एंड यहाँ पे 15 मार्क्स. टोटल कितना हो गया? 100. टोटल कितना हो गया? 100. जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जैसे मैंने बताया, 40 मार्क्स, सेकंड पार्ट 25 मार्क्स एंड थर्ड पार्ट 35 मार्क्स का आपको आता है. जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ये देखो ये वाला पार्ट वही बता रही हूँ मैं. तो यहाँ पे इस तरीके से आपका क्वेश्चन का पार्ट आएगा. अब देखो, हमने मार्क्स डिस्कस कर लिए, हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, हमने देख लिया कि हमारे सिलेबस में क्या है. अब हम पढ़ेंगे कैसे, वो मेन है. सब कुछ देख लिया आने कैसे वाला है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे वो मेन है. तो वो अब हम डिस्कस करते हैं फटाफट, और फिर हम लोग यहाँ का लेक्चर, आज का फर्स्ट लेक्चर स्टॉप करेंगे. ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पढ़ने कैसे वाले हैं, उसमें जाने से पहले हमारा पढ़ते टाइम या मेरा पढ़ाते टाइम क्या फोकस रहने वाला है वो देख लेते हैं. देखिए, मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि किसी भी स्टूडेंट ने लर्निंग या मगिंग अप नहीं फॉलो करना चाहिए. नो नो नो. यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ चीजें रहती है ना. फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपने लॉ फॉलो नहीं किया, कोई प्रोविजन फॉलो नहीं की, तो फिर पेनल्टी कितनी लगेगी? अब भाई ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, इसका तो कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग पैटर्न नहीं. तो ये जो बेसिक कोई फैक्ट्स है या फिगर्स है, वो लर्न करना इज डिफरेंट. लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को लर्न करे जा रहे, ये नहीं करना है. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ लर्निंग एंड मकिंग अप एंड
यू नो रट्टाफिकेशन, ये जो रट्टा मारने का जो सिस्टम है ना, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट. तो ये तो करना ही नहीं है. तो इसके ऊपर मैम क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है मैम, लर्न नहीं करना है. ऑब्वियसली यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ कि कुछ सेक्शन है या फिर कोई पेनल्टी है या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो लर्न करने तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन अदरवाइज द कॉन्सेप्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो कॉन्सेप्ट्स को लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है. कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है? समझना है. तो हमारा सबसे पहला फोकस हर एक चीज पढ़ते वक्त हमारा सबसे पहला जो फोकस रहेगा, दैट विल बी ऑन अंडरस्टैंडिंग. दैट विल बी ऑन व्हाट? अंडरस्टैंडिंग. जो दूसरा हमारा फोकस रहेगा, दैट विल बी ऑन लर्निंग. लर्निंग अब क्या मैम? अभी तो आपने बोला लर्निंग नहीं करनी, आप तो पलट गए. पलटी नहीं हूं, ध्यान से सुनो. फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग. लेकिन समझने के बाद, देखो समझना तो बहुत सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो समझना ही है, लेकिन उसके बाद वो हमें पेपर में लिखते भी तो आना चाहिए. तो क्या प्रोविजंस है, क्या पेनल्टीज है, क्या सेक्शंस है, ये ऐसा क्या किया, मतलब इस प्रोविजन के अंडर क्या क्या बातें बोली गई है, किस किस को हम क्या क्या अप्लाई करेंगे वगैरह, ये सारी चीजें लर्न करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली वो पेपर में लिखना है. अल्टीमेटली जो समझा है उसको लिखते आना चाहिए. समझ गया मैडम, लेकिन यहाँ पे स्टोर करना जरूरी है ना, यहाँ पे इस दिमाग में स्टोर करना जरूरी है ताकि हम पेपर पे अच्छे से लिख पाए. तो जो सेकेंड थिंग रहेगी हमारी वो रहेगा स्टोरेज. क्या रहेगा? स्टोरेज. अब स्टोर हम कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में तो नहीं कर सकते, स्टोर तो ब्रेन में करना है. तो इसके रिलेटेड मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में जो लर्निंग बोलते हैं ना वो यहाँ पे लिख देती हूँ. फर्स्ट फोकस विल बी अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड विल बी लर्निंग, एंड द थर्ड वन वुड बी प्रैक्टिसिंग. क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस है, तो उसको आप लोग सिर्फ समझ के और लर्न करके चलेगा. क्या होगा ना, आरबीआई एक्ट लर्न कर लिया, फिर एसईजेड तक पहुंचे तो मैम क्या था आरबीआई एक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो इसके रिलेटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए. क्या होना चाहिए एवरीवन? प्रैक्टिस होनी चाहिए. इसलिए हमारा थर्ड जो फोकस रहेगा दैट बियॉन्ड प्रैक्टिसिंग. तो ये तीन फोकस के साथ, तीन कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ हम बढ़ने वाले हैं. मैम अब अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? तो अंडरस्टैंडिंग हम कैसे करने वाले हैं? हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों ये लॉ बना, हर चीज हम लोग पूरा बैकग्राउंड से डिस्कस करने वाले हैं. हम लोग डायरेक्टली लर्निंग पे नहीं जा रहे ना, इसी चीज के लिए, इसी चीज का आपको फायदा धीरे धीरे डेफिनेटली समझेगा. तो यहाँ पर जब हम समझेंगे ना कोई भी चीज तो हम एग्जाम्पल्स यूज करेंगे. हम लोग हमारे जो कलरफुल नोट्स है, जो हमारा एक इनोवेटिव तरीके से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हम लोग आप तक अपनी बात पहुंचा पाए, जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे हुए लॉज है, जो उसको थोड़ी जान उसमें डाल पाए, ये कोशिश डेफिनेटली चालू है. तो उसके अंडर, उसके तहत आपको कलरफुल नोट्स के थ्रू आप जब पढ़ोगे और जब हम लोग क्लास में एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको उस चीज के थ्रू आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना अंडरस्टैंडिंग, वो हमारा पूरा हो जाएगा. दूसरा जो है लर्निंग. लर्निंग कैसे करेंगे? तो हम क्लास में ही लर्निंग का मैं बिल्कुल आप पे बर्डन, बिल्कुल भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास के बाद के आवर्स के लिए नहीं डाल रही हूँ. लर्निंग भी हम क्लास में करेंगे. कोई सेक्शन है, कोई पेनल्टी का अमाउंट है, ये सेक्शन या ये वाली पार्ट किस किस को अप्लाई करता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, हर एक चीज हम लोग क्लास में ही लर्निंग करेंगे. हाउ? थ्रू क्यूमुलेटिव रिविजन्स, बाय रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, बाय डिस्कसिंग इट अगेन एंड अगेन, हम ये चीज यहाँ पे ही कंप्लीट करेंगे विद रिगार्ड टू लर्निंग. तो ये दूसरा पार्ट भी हो जाएगा. तीसरा कैसे करेंगे मैम? प्रैक्टिस कैसे होगी? तो प्रैक्टिस करने के लिए एक तो जब हम क्लास में ही क्यूमुलेटिवली क्वेश्चन पूछेंगे और रिविजन्स करेंगे, और जब आप लोग वो सारे लेक्चर्स ध्यान से देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. और उसके साथ साथ प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस, जहां पे हम लोग क्लास में ही काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे प्रैक्टिस का पार्ट भी डन हो जाएगा. तो ये तीन चीजें जब हम क्लास में ही डिस्कस कर देंगे तो उसके तहत, उसकी वजह से आपका जो EBCL सब्जेक्ट है, जिसको लोग लेंदी, जिसको लोग डिफिकल्ट मानते हैं, और है भी, चलो मैं भी मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ कि लेंदी है, 24 पार्ट्स है, 24 चैप्टर्स है, कोई कम इंपॉर्टेंट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह, बिल्कुल सही है. लेकिन उसी चीज की वजह से जिसको लोग इतना बहुत उसको ऐसे क्या बोलते हैं, डरते हैं ना उस सब्जेक्ट से, तो वो डर हटाना है और उसको एकदम
टेंशन वाले सब्जेक्ट से स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट बनाना है, इसी चीज पे हमारा फोकस रहेगा। तो यहाँ पे मेरा मेन जो मुद्दा है अभी बताने का, मतलब ये सब तो डिस्कस हो गया, आपको सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कशन हो गया, एक जो बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहती हूँ यहाँ पे निकलने से पहले, कि टेंशन मत लो इस सब्जेक्ट का या पूरे के पूरे कोर्स का। इनफैक्ट पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव में किसी भी चीज का टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने ये खुद स्टूडेंट्स में नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चे टेंशन लेके पढ़ते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग जस्ट बी वेरी वेरी और अपने आप ही पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन जो बच्चे बहुत टेंशन लेके डर डर के पढ़ते हैं ना, वो तब प्रॉब्लम देती है, वो बात प्रॉब्लम देती है, तब वो हमें ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं यार यहाँ पे तो ना बहुत टेंशन आ रहा है, कैसे होगा क्या होगा। सो मोर ओवर फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन practicing, focus on doing what you're supposed to do. You're supposed to understand the subject, you're supposed to remember the subject, you're supposed to practice your questions. That is what you're supposed to do. You're not supposed to take tension with regard to kaisa paper aayega ya fir hum likh payenge ki nahi likh payenge, uska tension kyun le lo bhai. Jo apne haath mein hai wo baat hum kar sakte hain, jo hamare haath mein nahi hai, paper difficult aa gaya to kya, अरे आ गया तो मतलब तुम्हारे हाथ में है क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा कि इजी आएगा, नहीं ना, अपनी प्रैक्टिस करो, अपने तरफ से 100% दो, दैट्स इट। तो ये टेंशन की हिस्सा तो पहले प्लीज निकाल दो अपने दिमाग से और अपने कंधों से, वो बर्डन निकाल दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एकदम आराम से करना है, एकदम फोकस होके करना है, पूरा डेडिकेशन के साथ करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली वैसे भी जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, आगे आगे एक बात डिस्कस करेंगे, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट, विद regard to other things, वो सारी चीजें तो डिस्कस होती ही रहेगी, एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस सब्जेक्ट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट फन सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स फॉर यू ऑल। तो यहाँ पर इसी के साथ ये वाला जो डिस्कशन है आज का हमारा विद रिगार्ड टू EBCL आज हम खत्म करते हैं। आज हमने बेसिकली इसका बैकग्राउंड देखा कि कौन कौन से इसके चैप्टर्स है, कैसे इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यहाँ पर हमने देखा कि पेपर कैसा आएगा और आगे हमारे पढ़ने की टेक्निक कैसी रहेगी। तो उसी बेसिस पे, उसी इसी पूरे डिस्कशन के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे आगे का पार्ट, आगे का पार्ट मतलब विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन सा रहेगा, क्या रहेगा, दैट इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी है। तो जैसे भी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स अभी यहाँ पे डिस्कस हुई है वो भी याद रखो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग इस सब्जेक्ट में डाइव इन करने वाले हैं। जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि डाइव इन करने से पहले, ओशन में जाने से पहले सिर्फ गहराई देख लेते हैं, तो गहराई तो हमने देख ली, कितनी है, क्या है, सब चीज हमने समझ ली, क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है और वो कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स सच भी है वो भी हमने समझ लिया, क्या क्या अच्छी बातों के साथ हम आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे इसी मोटिवेशन के साथ, इसी जोश के साथ मिलेंगे हम अगले लेक्चर में जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं EBCL का सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन एंड फॉरएवर एज आई ऑलवेज एंड ऑलवेज से, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड बी योरसेल्फ। I'll see you in the next one. Bye-bye.